नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं जियो कंपनी के बारे में बताऊंगा। आपको पता है जियो कंपनी का जो इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है उसका नाम है जियो सिनेमा। जियो सिनेमा रिसेंटली मतलब 2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि जियो सिनेमा के अंदर आपको पता है 2023 साल से IPL का लाइव स्ट्रीम यहाँ पर दिखाया जा रहा था। 2023 के अंदर IPL लाइव स्ट्रीम दिखाया गया था, 2024 के अंदर दिखाया गया था और वो एब्सोल्युटली फ्री में दिखाया जा रहा था। 2027 साल तक जियो सिनेमा के ऊपर आपको IPL का लाइव स्ट्रीम देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन पहले के 2 साल आपको एब्सोल्युटली फ्री पर 4K क्वालिटी के ऊपर जियो सिनेमा एप्लीकेशन के ऊपर IPL का स्ट्रीमिंग यहाँ पर किया जा रहा था। और ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से आपको जियो सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में IPL का स्ट्रीमिंग देखने के लिए नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपडेट हमारे पास निकल गया है, जहां पर जियो सिनेमा को सब्सक्रिप्शन पैंस रिसेंटली लॉन्च किया गया था और जियो कंपनी की तरफ से उसे अनफॉर्चुनेटली बंद कर दिया गया। अभी क्यों बंद किया गया इसे पता नहीं, लेकिन जियो कंपनी की तरफ से वो बंद कर दिया गया। पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जियो सिनेमा रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। रिसेंटली आपको पता है जियो सिनेमा के अंदर जो HBO के प्रीमियम कंटेंट है उसे भी आप स्ट्रीम कर सकते थे, जिसके लिए आपको जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेना था। नॉर्मली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मंथली बेसिस पर आपको 2 प्लान दिया जा रहा था। एक था 29 रुपये वाले प्लान, जहाँ पर सिंगल डिवाइसेस के ऊपर आपको अप टू 4K क्वालिटी के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट देखने के लिए मिलेंगे, और जो भी प्रीमियम कॉन्टेंट है आप सिंपली 29 रुपये महीने के अंदर खर्च करके देख सकते हैं। और सेकेंड जो प्लान था वो था 89 रुपये वाले प्लान, और वहाँ पर भी सेम चीज़ था, लेकिन वहाँ पर जो डिवाइस का अमाउंट था वो था 4, मतलब एक साथ आप 4 डिवाइस के अंदर एकदम 4K क्वालिटी के ऊपर एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीमियम कंटेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंक्लूडिंग HBO कंटेंट। उसी के साथ रिलायंस जो कंपनी की तरफ से पिछले महीने मेनली जियो सिनेमा का ईयरली प्रीमियम प्लान को लॉन्च किया गया था। नॉर्मली जियो सिनेमा का जो ईयरली प्रीमियम प्लान है वो मेनली पिछले साल को लॉन्च किया गया था, जिसका प्राइस पॉइंट रखा गया था 1499 रुपये, लेकिन अचानक जियो कंपनी की तरफ से वो जो 1499 रुपये वाला ईयरली प्लान है उसे मेनली बंद कर दिया है। और रिसेंटली जियो कंपनी की तरफ से जियो सिनेमा का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान है उसे लॉन्च किया गया था 599 रुपये के अंदर, लेकिन एज ए इंट्रोडक्टरी प्लान वो 599 रुपये भी नहीं, सिर्फ 299 रुपये के अंदर आप साल भर जियो सिनेमा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते थे। लेकिन अचानक जियो कंपनी की तरफ से ये जो जियो सिनेमा का एनुअल प्लान है जिसका ईयरली प्राइस 299 रुपये है, या जो 599 रुपये वाले प्राइस भी यहाँ पर लिस्टेड था, वो दोनों प्लान को जियो कंपनी की तरफ से हटा दिया गया। आप ना उसका वेबसाइट के ऊपर, ना उसका एप्लीकेशन के ऊपर, ना उनके FAQ सेक्शन के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। नॉर्मली नेटफ्लिक्स जिस तरीके का बिजनेस मॉडल यहाँ पर देते हैं, आपको पता है नेटफ्लिक्स का कोई ईयरली प्लान नहीं है। अगर आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको मंथली बेसिस जाना पड़ेगा। ठीक सिमिलर तरीके से जियो कंपनी के अंदर भी आपको सब्सक्रिप्शन अगर चाहिए तो आपको मंथली बेसिस जाना पड़ेगा। हालांकि नेटफ्लिक्स का जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो काफी ज्यादा महंगा है, लेकिन रिलायंस जियो के अंदर सिर्फ 29 रुपये के अंदर आपको किसी भी डिवाइसेस के ऊपर देख सकते हैं, सिंपली एक डिवाइसेस के ऊपर, मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी डिवाइसेस के ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और 4K क्वालिटी के ऊपर आप कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं। महीने के अंदर आपको जाना पड़ेगा 29 रुपये के अंदर। हो सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जियो कंपनी की तरफ से कोई ईयरली प्लान को लॉन्च किया जाए, हो सकते हैं कि उसका प्राइस पॉइंट पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रखा जाए। पहले जो 299 रुपये के अंदर लॉन्च किया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जियो कंपनी की तरफ से लॉन्च किया जाए। हालांकि जो लोग ऑलरेडी जियो सिनेमा का ईयरली सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं 299 रुपये के अंदर, उनका 1 साल तक ही चलेंगे, मतलब जो ऑलरेडी ले चुका है उनका 1 साल तक ही चलेंगे, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग लेने वाले थे उनके लिए काफ़ी ख़राब खबर है, क्योंकि और अवेलेबल नहीं है ये प्लान जियो कंपनी की तरफ से, इस प्लान को अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया गया है। तो ये सर अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उस समय लगा तो ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।